मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के मुसलमान लॉ कमीशन के सवालनामे का बायकॉट करेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे। उनका आरोप है कि इसे निष्पक्ष होकर तैयार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। इस देश में तमाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। संविधान ने हम सबको अपने धर्म की आज़ादी दी है। सरकार और लॉ कमीशन संविधान के विपरीत काम कर रही है। यह धर्म की आज़ादी की भावना के खिलाफ है। आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक के विरोध में इस महीने केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसका विरोध किया था। हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव है और महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि लॉ कमीशन के सवालनामे का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में साफ है कि केंद्र सरकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक बड़ी चुनौती है। देखते रहिए टीवी लाइव।